Hey, what's up guys, Ronit here. Now take your own gaming, let's begin. भाई आज हम देखेंगे कि PUBG में स्नाइपिंग अपनी कैसे अच्छी करें। तो भाई मैंने कई लोगों को देखा है कि वो ऐसे बिल्कुल धीरे धीरे स्नाइपिंग मतलब उसको बहुत धीरे धीरे ले जाते हैं बंदे की साइड, फिर उसके मारते हैं। पर आपको ऐसा नहीं करना, आपने सीधा क्रॉस या उस पर ले जाना, ऐसे मारना है, ठीक है? तो इससे क्या होगा, एक तो आपकी फास्ट हो जाएगी स्नाइपिंग, और हमेशा हेड के लिए एम करना, क्योंकि अगर आप स्नाइपिंग करना चाहते हो तो भाई ये इसका कोई फ़ायदा नहीं कि आप मतलब 3-4 गोलियां मारने के बाद फिर बंदे को नॉक कर रहे हो, फिर बंदा ख़त्म होएगा, ये नहीं भाई। सीधा हेड के लिए एम करो, एक की में बंदे को ख़त्म करना है, चाहे वो दूर का हो चाहे कैसे का भी। भाई आपको अच्छी से अच्छी स्नाइपिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और सेंसिटिविटी कम करनी पड़ेगी उसके लिए, क्योंकि अगर आप सेंसिटिविटी कम कर दोगे तो आपके लिए स्नाइपिंग करना आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर आप सेंसिटिविटी ज़्यादा रखोगे तो उसमें क्या होता है कि बंदे के हेड के ऊपर एम करना होता है, बहुत कम सरफेस मतलब बहुत कम जगह होती है कि उस पर उसके हेड पे एम कर सकूँ अगर दूर का बंदा है तो। तो भाई आपको उसके हेड के लिए एम करना है तो सेंसिटिविटी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ज़्यादा है तो हेड पे ले जाने के बजाय हवा में चले जाएगा एम, तो भाई उससे बंदे नहीं मार पाओगे आप, दूसरा बंदा आपको मार देगा। वो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी काफ़ी ज़्यादा, और जल्दी मारना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे प्रैक्टिस मोड में जाके मैं सबसे पहले तो M24 उठा लेनी है, क्योंकि भाई ये जल्दी रिलोड होती है। AWM में 10-10 गोलियां मिलेगी, बार बार आप गोलियां ले लेने जाओगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उससे आपका टाइम वेस्ट होएगा। जल्दी जाओ M24 लो, एक्सटेंडेड मैग लगाओ, रिलोड मारो और 100-100 गोलियां उठा लो दोनों के लिए भाई, और स्कोप ले लो जो जिससे आपसे स्नाइपिंग नहीं हो पाती। और फिर उसके बाद आप ऐसे ये ऐसे मत करो, आपने क्या करना है सीधा जाओ बंदे के हेड के लिए एम करो। जैसे ये बंदा है, प्रैक्टिस मोड में काफ़ी बंदे मिल जाएंगे, आप कहीं दूर जाके बैठ जाओ, वहाँ जाके स्नाइपिंग करने की कोशिश करो। ये जो करते हैं ये उछलते बहुत हैं, तो इन पे जैसे आप एम करने की कोशिश करोगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा आएगा। तो भाई इन पे प्रैक्टिस करो, और आपको ये जो ये जैसे मैं एम कर रहा हूँ क्रॉस या कोई कवर के पीछे तो ये ऐसे रेड हो जाता है, इसको पहले ही बंदे के ऊपर ले जाओ। आपको पता है कि बंदा वहीं आएगा, अगर आपको लग रहा है कि वहीं से बंदा निकलेगा, अगर कोई वो खिड़की में है या फिर घर में है, तो फिर भाई उसी के ऊपर एम ले जाओ, और जैसे ही वो बाहर निकले एकदम से स्कोप खोल के यूँ मार दो, ठीक है? और ये आपको प्रैक्टिस मोड में ही सीखने को मिलेगा। और भाई जितना हो सके उतनी जल्दी स्नाइपिंग मतलब स्नाइपर जो है आपकी उसको स्विच करने की कोशिश करो, जैसे अभी मैंने किया, ठीक है? तो ये स्विच तो मैं अभी नहीं करता, मतलब उतनी फास्ट नहीं है मेरी, लेकिन भाई फास्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप मतलब बहुत ही आपने बड़े लोगों को देखा होगा, मतलब बड़े जैसे डायनामो को देख लो, वो क्या करता है अपनी स्नाइपर लेता है, बंदे को मारता है, नहीं लगता अपनी सीधा AR निकाल लेता है, AR बंदूक। भाई आपके पास जो भी है AR है SMG है, तो स्नाइपिंग से एक शॉट मारते ही उसको चेंज करो, AR या SMG पे लाओ, फिर बंदे पे रेड डॉट मतलब दूर का कोई स्कोप आप लगा के रिकॉइल कंट्रोल कर सकते हो तो उसको मारने की कोशिश करो भाई, इससे बहुत फ़ायदा होएगा। ये देखो अब मैं यही आपको करना पड़ेगा, बार 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 AWM की गोलियां लेने जानी पड़ेगी, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा भाई। ये देखो ये करना है आपने, क्रॉस एयर ले जाओ उस पर, और जैसे ही क्रॉस एयर उस पर ले हो जाएगा मतलब पहुंच जाएगा, वैसे ही यूँ करके मार दो स्कोप खुलती, ठीक है? और भाई आप क्या कर सकते हो, स्नाइपर ट्रेनिंग खेल लो, उससे भी काफ़ी स्किल्स इम्प्रूव होंगे। और भाई स्नाइपिंग करते टाइम हमेशा जगह चेंज करते रहो, वरना बंदे को पता है आप कहाँ से स्नाइपिंग कर रहे हो तो वो आपको 2 मिनट में मार के चले जाएगा। ये आपने करना है, जल्दी से स्कोप खोल के मारना है।
और भाई और कुछ नहीं, और जैसे बंदे गाड़ियां चलाते रहते हैं उन पे मारने की कोशिश करो, और कुछ नहीं कर सकता आपको बताने के अलावा। और भाई सेंसिटिविटी कम कर लो, काफ़ी फ़ायदा होता है उससे। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। तो भाई सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना, और कमेंट में बताना कैसी लगी वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।